हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इतना सारा तुम्हारे लिए टैक्स का बना दिया मतलब, और एक पेपर का वीडियो तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि 20 मार्क तुम्हारा जेब में चल जाए, ठीक है। होप सो सब तुम्हारा पढ़ के हो गया रहेगा। ध्यान दो, चलो आ जाओ। देखो, सूरत ग्राम पंचायत, तो पंचायत आ गया तो क्या हो गया मालूम है, लोकल अथॉरिटी। किसी का नाम आ गया तो इंडिविजुअल हो गया, कंपनी का नाम आ गया तो कंपनी हो जाएगा। तो एक मैं का ब्लैंक्स पहला यही रहेगा। और न्यूली सेटअप बिजनेस प्रीवियस ईयर कैन बी, तो या तो 12 महीना या तो 12 महीने से कम, बिजनेस का प्रीवियस है 12 महीना होगा या 12 महीने से कम, 12 महीने से ज़्यादा नहीं होता है। ग्रेचुटी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कितना है, 20 लाख मैक्सिमम लिमिट कितना है, 20 लाख। और वॉलंटरी रिटायरमेंट आएगा ना प्लान, तो 5 लाख है। और डिडक्शन 80C में 1.5 लाख है। ये सब आंकड़ा याद रखो, इसके ऊपर ब्लैंक्स आते ही है, ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF कितना परसेंट है, मैक्सिमम 12%, मैक्सिमम कितना है 12%, याद रखना, ठीक है। और इंटरेस्ट 9.5% है। इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो म्यूनिसिपल टैक्स कौन पेड करेगा, किसके अंदर डिडक्शन है, ओनर के लिए है। म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्शन ओनर के लिए होता है, ठीक है, टीनेंट के लिए नहीं होता है। फ्रॉम लेटिंग आउट रेंट, फ्रॉम लेटिंग आउट मतलब भाड़ा आया, भाड़ा मतलब घर दिया भाड़े पे, खाली ज़मीन शादी के हॉल से पैसा कमाया, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डेप्रिसिएशन इज अलाउ इन केस ऑफ, डेप्रिसिएशन किस पे होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, लैंड बिल्डिंग पैटर्न मशीन फर्नीचर गुडविल कॉपीराइट पैटर्न्स, ये ध्यान देने का है। गिफ्ट आया नॉन रिलेटिव से 50,000, तो ये नॉन टैक्सेबल है। क्या ये 50,000 के अंदर माफ है ना, 50,000 के ऊपर टैक्सेबल है, ठीक है। निशी स्पेंड 5,000 किस पर स्पेंड किया, मेडिकल ट्रीटमेंट। जो फिजिकली कितना परसेंट डिसेबल है, 65%, जो भी हैंडीकैप 65%, मतलब 80% से कम है ना, तो 75,000 माफ़ होगा, ये आंसर है। अगर मान लो 90% रहता तो 1,25,000 माफ़ करते हैं, 1,25,000, ऐसा याद रखने का है। सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले भी आया था, ये कौन सा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सैलरी अदर सोर्स से आता है। और बोनस टू एम्प्लॉइज टैक्सेबल, किस कौन से बेसिस पे, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल है, ओके, रिसीव बेसिस पे। प्रोफेसर फाड़के है वो एम्प्लॉय विद AJ कॉलेज, किसके साथ, AJ कॉलेज के साथ, तो उनको एग्जाम रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मतलब कॉलेज को मॉनिटर सुपरवाइज कर रहे हैं, तो वो पैसा किस में टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो 12 आएगा, 10 करना तुमको, 12 तो 12 करना ही पड़ेगा। और ट्रू ऑफ फॉल्स भी है, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो सबके लिए डिडक्शन है, नहीं वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता, तो इसके लिए फॉल्स है। एग्रीकल्चर इनकम इन नेपाल इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, फॉल्स, इंडिया का इनकम एग्जाम है ना एग्रीकल्चर का, कोई भी कंट्री हो, श्रीलंका नेपाल फॉरेन कंट्री का इनकम टैक्सेबल होता है, तो ये फॉल्स है। डिडक्शन 80 इज अवेलेबल टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नहीं उनके लिए अवेलेबल नहीं है, SSC के लिए रहता, ठीक है, ये भी फॉल्स है। अनकमिटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई आफ्टर रिटायरमेंट फुल्ली एग्जाम, फॉल्स, एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल होता है, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर हेल्ड फॉर 18 मंथ इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 24 महीने से ज़्यादा होता है ना तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो शेयर्स के लिए 12 महीने आता है, क्या आता है, 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने से लॉन्ग टर्म। म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इज अलाउ, फॉल्स, टेनेंट का अलाउ नहीं है, ओनर का अलाउ है ना यार, अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी ध्यान देने का। मेडिकेम प्रीमियम पेड बाय कैश 50,000 अलाउ डिडक्टेबल, जो भी कैश में पे किया डिडक्शन में नहीं आता, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। डिविडेंड आया फ्रॉम इंडियन कंपनी फुल्ली एग्जाम, नॉट, ये भी फॉल्स है, टैक्सेबल होता है भाई, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी टैक्सेबल। इनकम आया सब लेटिंग फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अभी तो हमने डिस्कस किया सब लेटिंग इनकम अदर सोर्स होता है, ये ट्रू है। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल बिजनेस एसेट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, जो भी कैपिटल गेन आता है ट्रांसफर का वो शॉर्ट टर्म होता है, ट्रू। तिरुमलाई देवस्थानम टेम्पल इज एन एग्जाम ऑफ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन, जो तिरुमला है वो एक जुडिशियल पर्सन है, तो ये ट्रू है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा, 20 मार्क का सब सम मैंने सॉल्व कर दिया है, शास्त्री वाले भी कर दिया, कौशल ये भी सम तुम्हारे लिए अपलोड मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, बिजनेस का भी सॉल्व कर दिया है, और 10 मार्क के जो चिल्लर आएंगे स्कोप ऑफ इनकम अच्छे से समझा दिया है, शॉर्ट नोट भी समझा दिया, बच्चे लोग अच्छे से ध्यान दो, पढ़ लो, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।